हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, जैसे कि हमारी बात हो रही थी पिछले वीडियो में चार्ज पे, और चार्ज के सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स हमने देख लिया था। अब देखिए, आज हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी विद्युत। विद्युत में आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा होती क्या है, पहले डिफिनेशन सुनिएगा, इसके बाद आप सारे पॉइंट्स नोट करते चलेंगे हमारे साथ। अगर विद्युत का अगर हम लोग डिफिनीशन दें तो हम लोग बोलेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या, एक लाइन में आप बोलिएगा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट की डिफिनीशन के, तो फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिएगा थोड़ा सा। यदि किसी बंद परिपथ में टी सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यू हो, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान I=Q/T हो जाएगा। क्या होगा, I=Q/T। अब यहाँ से आपके मन में जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो देखिएगा, कहता है विद्युत धारा का भैया मात्रक बता दो, तो आप विद्युत धारा का मात्रक बता दो। देखो, आवेश का मात्रक कभी हमने आपको बताया कूलाम होता है, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अगर हम लोग बात करें विद्युत धारा के मात्रक की, तो विद्युत धारा का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड, और कूलाम में पर सेकेंड को हम लोग एक और नाम देते हैं एम्पियर। तो ये देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, हो जाएगा क्या, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। आप दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, दोनों विद्युत धारा के मात्रक होते हैं। ये कहाँ से, कूलाम पर सेकेंड, ये फार्मूला से आ गया। कैसे आ गया देखिएगा, अभी हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो हमारा पहला वीडियो, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने चार्ज के मात्रक के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे मैं बताया था कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, और टाइम का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। तो हमारा विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा क्या, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग और नेक्स्ट फार्मूला की। यहाँ से और कैसे फार्मूला बनते हैं सुनिएगा। यदि किसी चालक से यन इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहें कि मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था। फार्मूला क्या था, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला था आपका ये Q=NE। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चालक से यन इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। अभी आपने फार्मूला क्या बताया, I=Q/T, तो इस Q के जगह पे यन लिख सकते हैं कि नहीं। जब आप इस Q के जगह पे यन लिख सकते हैं, तो एक और हमारा नया फार्मूला निर्माण होकर आएगा I=NE/T। नोट करिए क्या आएगा, I=NE/T। अब देखिए, एक और जो आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जहाँ से बनते हैं, उस पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं, और उस पॉइंट्स के न्यूमेरिकल्स को आप लोग नोट करिएगा। न्यूमेरिकल्स में लिखा हूँ, प्रैक्टिस लास्ट में कराऊंगा, पहले आप फार्मूला देख लीजिएगा। तो अगर बात करेगा, यदि किसी वृत्तकार लूप में आवेशित कण यफ चक्कर प्रति सेकेंड की दर से चक्कर लगा रहा हो, तो प्रवाहित होने वाली धारा की मान ज्ञात करो। अगर मान लो कि कोई क्या है, कह रहा है कोई अगर वृत्तकार पथ है, ठीक है, अब वृत्तकार लूप है, उसमें क्या रहा है, आवेशित कण यफ चक्कर प्रति सेकेंड की दर से चक्कर लगा रहा हो, तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप लोग, उसके लिए देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। T=1 होता है 1/F, तभी तो होगा चक्कर पर सेकेंड, ठीक है। और यफ की अगर बात करेंगे, यफ=1 हो जाएगा 1/T, और आप जानते हैं I=Q/T होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I=Q/F। देखिए एकदम बैक टू बैक आप समझते जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, I=Q/F। चूंकि आप जानते हैं Q=NE होता है, तो यहाँ पे आप इस फार्मूला में आप क्या रख सकते हैं, क्यू के जगह पर NE रख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको एक और रिजल्ट मिलकर आएगा I=NE/F। इस क्यू के जगह पे हमने क्या रख दिया, NE रख दिया। ध्यान दीजिएगा, हमने किया क्या है,
कि जो ये हमारे इस फार्मूला में क्यू है वहाँ पे हमने किसको अप्लाई कर दिया, यानी को। तो अब हमारा नया जो फार्मूला निगमन हुआ वो हुआ आई इज इक्वल टू यानी इंटू यम, ठीक है। यदि यन इज इक्वल टू वन, अगर यन का मान वन हो जाए तो हमारा आई इज इक्वल टू ई इंटू यफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई इंटू यफ हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, उस पर भी आप थोड़ा सा विचार करिएगा। कह रहे यदि आर त्रिज्या के वृत्तकार पथ पर कोई आवेशित कण भी वेग से गति कर रहा हो तो लूप में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करिए। अगर कोई क्या है, आर त्रिज्या का कोई वृत्त है जिसपे कोई आवेशित कण क्या कर रहा है, भी वेग से गति कर रहा है, तो इस लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। अब इसके लिए आप थोड़ा सा फार्मूला पर विचार करिएगा। आप देखिए आपका मेन फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू की अपॉन टी। अब यहाँ से अगर आप टाइम की बात करेंगे, जो टोटल टाइम होता है, अगर टाइम आप फार्मूला निकालते हैं तो समय इज इक्वल टू, देखिए अब आइए अब इस मेन चीज़ है, देखिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये फिजिक्स है भैया, आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा तभी जाकर आप पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आप एक फार्मूला बहुत टाइम तक पढ़े हैं, चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा में समय। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर समय की बात करेगा तो दूरी बटा में चाल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर टाइम अगर हम लोग बात करेंगे 2πr, कुल दूरी कितना हो जाएगा, जो ये वृत्त की परिधि होगी वही कुल दूरी होगी, और वृत्त की परिधि का आप लोग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का आप फार्मूला की अगर बात करेंगे तो ये c इज इक्वल टू होता है 2πr, वृत्त की परिधि का यही फार्मूला होता है 2πr। तो टोटल दूरी हमारी ये वृत्त की परिधि ही होगी एक चक्कर में। तो अगर बात करें हम लोग टाइम की, टोटल टाइम की, तो कुल दूरी बटा में दूरी बटा में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, तब हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, टाइम निकाला 2πr अपॉन वी। अब देखिए अब अगर आई निकालना है हमको, करेंट निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस टी के जगह पे क्या रख देना है, ये वाले टी का पूरा वैल्यू पुटअप कर देना है, जो ये हमारा ये ऊपर वाला फार्मूला है उसी फार्मूला में इस टी का पूरा क्या करना है, ये वाला मान रख देना है। जब रखिएगा तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी अपॉन 2π, आपको एक रिजल्ट मिल गया है। फार्मूला नोट करते जाएंगे आप अपनी नोटबुक में, क्योंकि इस फार्मूला का भी अप्लाई करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। यदि q इज इक्वल टू यानी आप बहुत बार से पढ़ते आ रहे हैं, तो i इज इक्वल टू यानी भी अपॉन 2πr, ये भी फार्मूला है और इसको भी आप नोट करेंगे। यदि n इज इक्वल टू 1 तो हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू e अपॉन भी अपॉन 2πr। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होगी और आप इस फार्मूला को एकदम ध्यान से नोट करके चलिएगा और एक स्टार बनाकर लिखिएगा। जो विद्युत धारा होता है वो कैसी राशि होती है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, या हम लोग बात करेंगे कि कैसी क्वांटिटीज होती है, तो विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, राइट। अब आइए अब हम लोग मेन अपने न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, हमने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं आपको एकदम बाध्य कर दूंगा और आपको इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा कि न्यूमेरिकल्स आप करेंगे 100% करेंगे। अब देखिए मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो देखिएगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल आप पढ़िए क्या कह रहा है, कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्तकार लूप में 6×10^15 चक्कर प्रति सेकेंड की दर से चक्कर लगा रहा है, तो लूप में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। आपसे क्या कह रहा है कि लूप में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। आपसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वृत्तकार लूप में 6×10^15। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, आपसे पूछ कर रहा है। आपको सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी तो आप आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको यफ का मान दे दिया है, अभी आप पिछले फार्मूला में देखें कितना दिया है, 6×10^15 चक्कर पर सेकेंड,
ठीक है, ये चीज दे दिया है आपको। और आप जानते हैं ई का भी मान आपको पता होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आपसे कह रहा है कि विद्युत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लीजिए, तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, अभी हमने फार्मूला आपको बताया है आई इज इक्वल टू होता है ई इंटू एफ। अब सारा वैल्यू इसमें पुट अप करिए आप, तो जब आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 15 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा 16×96, तो 9.6 इंटू आपको क्या हो जाएगा 15 × 4 गया तो कितना, 19 गया तो कितना बचेगा -4, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4 कूलम, और सॉरी एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर। यानी आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या, एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के त्रिज्या में 2.2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड की वेग से चक्कर लगा रहा है, तो लूप में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना, धारा के मान की गणना के लिए लूप में कितना करेंट फ्लो कर रही है उसको हमको बताना है। तो आप देखिए उसके लिए मैं फार्मूला डायरेक्ट ये बताया था, अगर धारा अगर आपको फाइंड करना है तो ई वी अपॉन 2πr। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये जो वृत्त की त्रिज्या दिया है एंगस्ट्रॉम में दिया है, और आप समझ लीजिए एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, पहले आपको सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो अगर बात करेंगे हम लोग एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10^-10 मीटर। तो आपको करना कुछ नहीं है, 0.5 इंटू 10^-10 मीटर कर देना है। तो यहाँ से आप इस वाले फार्मूला में रखिए नीचे वाले में, तो आपको मिलेगा क्या, रिजल्ट मिलेगा क्या, आप ध्यान से देखिएगा। आपको मिलेगा, आपको क्योंकि E का तो मान आपको पता होता है, आपको V का भी मान दे दिया है, V का मान क्या दिया 2.2 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7, और R का मान क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 0.5 इंटू 10^-10 मीटर, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो जब आप इस फार्मूला में रखिएगा आप, तो आपको पहले न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको ये चीज़ें देखना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है आपसे। गिवेन आपको क्या है लिख लेना है पहले, गिवेन आपको है रेडियस दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.5 इंटू 10^-10 मीटर हो जाएगा। ये आपको आर दे दिया, अब आपको वेग भी दे दिया है कितना, वी इक्वल टू दिया है 2.2 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड, और आपको और क्या दिया है देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मात्रा आपको पता है किसी भी पार्टिकल्स पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10^-10 इतने कूलम का चार्ज होता है किसी भी एक पार्टिकल्स पे। अब आपको आई फाइंड करना है, तो आप आई का फार्मूला लगा लीजिए, करेंट का फार्मूला, यानी 1.6 इंटू 10^-19 इंटू 2.2 इंटू 10^6 अपॉन, आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे बटे में रखना है 2 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10^-10 मीटर। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको इसको बस कटा देना है, जब आप इसको डिवाइड करके पूरा एकदम इसको सब्ट्रैक्ट करिए और डिवाइड करके जब इधर ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा और नीचे भी सब मल्टीप्लाई करके जब इनको डिवाइड करिएगा, मान लो अगर हम आपसे बात करें कर देते हैं हम यहाँ पे देखिएगा, मैक्सिमम आपका काम हल्का कर देता हूँ मैं, तो इसका आपको देखिए अगर इसमें इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, सॉरी इससे ना कटाएं इसको, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सा अपनाते हैं,
अगर दो से लेंगे तो ये हो जाएगा 11.11 हो जाएगा। अब देखिए आपको बचा क्या, अब ऊपर बचा आपका 1.6 × 10^-19 इंटू 1.1 × 10^6 बटा में बचा आपका क्या 22.7 × 0.5 × 10^-10। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप अपने कॉपी में इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.2 × 10^4। लिखिए 11.2 × 10^-4 एम्पियर की आपकी करेंट आएगा। जब आप इसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा, तो आपका इतना ही आंसर आएगा, कितना आएगा 11.2 × 10^-4 एम्पियर। तो गाइस कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके सारे फार्मूला क्लियर है, तो आप एकदम न्यूमेरिकल्स करिएगा, मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, और मैं आपको हर एक फार्मूले का न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, आपको एकदम प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके पूरे फार्मूला याद करा दूंगा। चलिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।